है जुबैर फारूक, एक मरतबा फिर आपको अपने साथ आपके साथ मौजूद हूँ और आपको अपने चैनल पे वेलकम, खुश आमदीद और जी आना करता हूँ। तो सरप्राइजिंग 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 मैं मौजूद हूँ आज एक अच्छी जगह पे, पार्क में मौजूद हूँ। बताऊंगा नहीं कौन से पार्क में, पर मैं पार्क में हूँ। जो मुझे पहले वीडियो देखे वो मुझे पहचान चुके होंगे। तो मैं पार्क में हूँ, कौन से में हूँ पता चल जाएगा आपको खुद। मेरे साथ रहिएगा, उससे पहले मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और अभी हम चलेंगे और आज के क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स गो बडीज। अस्सलाम वालेकुम, नहीं अच्छा सुना पापड़ आलो नहीं खाओ मेहरबानी। बस ऐसे पापड़ खाने का अपना मजा है। भाईजान की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाईजान का, इन्होंने मुझे पापड़ ऑफर किया, हालांकि ये जबरदस्ती का था। तो थैंक यू सो मच भजन, मेहरबानी। आपको पता है कि आज मेरा पूरा इरादा था कि मैं जो है झूले लूंगा इस पे, और हार्ड लक है हमारी कि ये झूले जो है वो बंद हैं। तो ये जब हिलते हैं तो ये जो है ना वो स्क्वेयर फुट्स के फासले से फैल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जो है इसको फिर दोबारा ले लेंगे। असल में अगर थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये ना चेयर जो है ना वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और आपको पता है पुरानी चीज़ पर मैं बिल्कुल नहीं बैठता। पूरी चीज़ अगर नहीं हो ना शशके वाली तो बंदा उससे बैठता है। तो वहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा रश है, समझ नहीं आ। और ये यहाँ पे देखें, इस तरफ देखें तो ये टीला मौजूद है, वो वहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। टिकटॉक्स बनती हैं और वीडियोस बनती हैं, लेकिन यार हर बंदा एफर्ट करता है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो है वो आपको मिले, और आप ज़रूर देखा कीजिए। तो मुझे मिले हैं प्यारे प्यारे भाई, मेरा ख्याल है ये फुटबॉलर भी रह चुके हैं किस ज़माने में। तो इनसे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। आप उससे पहले मुझे अपना नाम बता दें। अब्दुल्ला। आपका नाम? अब्दुल रहीम। अब्दुल्ला अब्दुल रहीम। आपका? अमान। ओह माय गॉड, एक मिस हो गया, वरना अब्दुल्ला माशाल्लाह बड़े अच्छे नाम है आप लोगों के। अच्छा, मेरा ना आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, तो वो कौन सी ऐसी सिगरेट है जिसके दाम को उल्टा करें तो 2000 पीस बनता है पी के आर में? टेक योर टाइम एंड देन आंसर मी। लेट्स। हाँ सिगरेट, मशवरे के बगैर भी कुछ लोग अच्छा आंसर कर देते हैं, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो भैया ना आप दोनों जो साथ में फिश्तों की बिल्कुल साथ खड़ा किया था, आप लोगों का जो कोई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हुई, आपका क्या ख्याल है? K2 ही है, क्योंकि 2K बनता है 2000 है। अब्दुल्ला सेम आंसर, सेम आंसर। ये तो तू कापी मारी है सरफराज अली। चले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अब्दुल्ला अब्दुल रहीम एंड ईमान अमान। ईमान तो लड़की हो ना नजर, अमान अमान। देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान भाई, तो रमजान भाई जो है वो माशाल्लाह बड़े नेक बंदे हैं, शक्ल से भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी इनसे हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको पता है कि बड़ा सिंपल है, और वो हम पूछते भी आए हैं हमारी सीरीज में, वो क्वेश्चन है। इन्होंने अगर मेरी वीडियोज नहीं देखी हुई, अगर देखी होती तो जरूर को पता होता। अच्छा रमजान, क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्मेटिक पैंपर का काम करता हूं, डायपर्स हैं मेरे, होलसेल काम करता हूं। ले जी, मेरे बेटे के लिए वीडियो पैगाम है, बेटा पैंपर्स की बात बन गई है, चाचू आ गए आपके पास। तो इंशाल्लाह अब आपके पैंपर्स अब आपके जो है ना वो फ्री तो नहीं होंगे, लेकिन कम कीमत पे, यू नो अंडरस्टैंड, होलसेल रेट पे। थैंक यू रमजान साहब। अच्छा रमजान साहब, रमजान साहब मुझे ना क्वेश्चन करना है आपसे, कर सकता हूँ? हुक्म करें यार। इस तरह करो, दो चाय साथ में, बिस्किट साथ में, कोल्ड ड्रिंक, और जो है ना लेज ले आओ। यार जल्दी जा तो लेट आई हैं, टाइम ना लाई। जल्दी जा तो लेट आई, मतलब ये है कि सानू ना आई हैं, पर तुझे लफ्ज़ ओके हो गया। अच्छा रमजान भाई, सवाल ये है, एक हाथी जनवरी में पानी ज्यादा पीता है और फरवरी में पानी कम पीता है, उसकी वजह क्या है? वजह आपको पता हो, आप सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक आंसर, ये जवाब देखे इनका, नो प्रॉब्लम, जान छुड़वाई है। रमजान भाई जवाब दो, सही बताया मैंने, जब पता ही नहीं तो मैंने तो एग्जैक्ट बताना ही है कि यार आपको पता हो, आपने सवाल किया, आपने गलत बताया। नहीं नहीं मैंने सही बताया, मेरे हाथी को पता होगा।
नहीं नहीं मेरी बात सुने ना, आपको भी पता होगा क्योंकि आपने हाथी को ले गया है अंदर, ये भी तो देखे ना। हाथी वैसे आ सकता है, जगह बहुत ज्यादा है, अगर आप देखे तो जगह काफी ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथी आ सकता है। अच्छा मुझे रमजान भाई आप थोड़ा सा सोचें, आपके यहाँ पे तीन चार दोस्त भी खड़े हुए हैं, अगर आपने मशवरा करना है किसी बंदे से बिना झिझक मशवरा करें, ये प्यारे से भाई देखे ना, इनसे आप अगर क्वेश्चन कर लेना, ये आपको जवाब देना। इधर आए हमजा, बात तो सुनो, इधर तो आओ, हमजा डर गया। अच्छा रमजान भाई बता रहे थे आप यार, वो फिर हाथी को ही पता होगा, आपकी बात तो एग्जैक्ट ठीक ही है कि फिर वो सही पता होगा कि क्यों नहीं बन, नहीं बन रही बात, बात तो कोई नहीं बन रही मेरे ख्याल के मुताबिक। चले आप सबको मैं बताता हूँ, हाथी जो है वो जनवरी में पानी इसलिए ज्यादा पीता है क्योंकि हाथी को जनवरी में मिलते हैं 31 दिन और फरवरी में मिलते हैं उसको 28 दिन, 28 और 31 दिन में 3 दिन का फर्क है। जब बंदे को 3 दिन कम मिले किसी भी जानदार चीज को तो वो फिर पानी कम ही होगा ना, ये तो बात है। ऐसा है, हार मानी ना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हार मानी, अल्हम्दुलिल्लाह कह के हार मानने आए, तो माननी चाहिए ना, जो इंसान मानता वो मानना चाहिए। चलिए रमजान साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह। आपने मेरे व्यूअर्स को कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप इनको फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जितनी हो सकती है भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच रमजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बतखों की आवाज आपको आ रही होगी, ये बतखे जब पीछे लग जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है, वो इनसे बचें और इधर से गुजरें। वैसे भी जानवरों को छेड़ना नहीं चाहिए, अगर आप जानवरों को छेड़ते हैं ना तो वो पीछे भी लग सकते हैं, और अगर वो पीछे लग जाए तो फिर मसला हो जाता है, इसलिए ना हम जानवरों को छेड़ते हैं ना जानवर हमें छेड़ते हैं। पीछे मेरे जो है वो पूल है, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है, वो कश्तियों वाला पूल है, यू नो बोट पूल। तो चलिए चलते हैं यार, शाम हो रही है तकरीबन, वो भाई जान किस तरह कश्तियों पर झूले ले रहे हैं उस तरफ, और साइड पर हो जाए, शाम के वक्त तो वैसे भी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रिलैक्स होकर बैठे, कोई बात नहीं, अपना ही जगह, बेफिक्र हो जाएं। जाए क्या नाम है आपका? मौज़म। मौज़म आपका? असद। असद और मौज़म भाई मेरे जो है वो इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो असद और मौज़म भाई से हम पूछ लेते हैं, लंबी दोस्ती का राज क्या है पहले आप बताइएगा मुझे, अगर लंबी दोस्ती हमें रखनी है तो उसका राज क्या है? मुखलिस होना पड़ेगा, जिसके साथ भी आपने दोस्ती रखनी है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए बस किसी चीज़ का। कोई मुझे ना कोई मकोला बता दें, कोई एक कोई कोट बता दें कि दोस्ती के बारे में, वो कोट हो कोई अच्छा सा। और कोई नहीं, मेरा यही एक दोस्त है बस। असद आपका बड़ा अच्छा दोस्त है जी, काफ़ी टाइम से यही है मेरा, वो मैंने आपको देख लिया, लेकिन मैंने दोस्ती तोड़ी नहीं है, मैं थोड़ा सा साइड पे किया है, तो कोई नाराज तो नहीं हुए आप? नहीं नहीं कोई मसला नहीं। असद आप बताएंगे कि दोस्ती, लंबी दोस्ती का क्या राज है, अच्छी दोस्ती का? यही जो भाई ने बताया। उन्होंने क्या बताया? यही कि मुखलिस रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इससे दोस्ती आपकी देर बार चलती है जी। तो आपको कितना अरसा हो गया आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी दोस्ती ऐसी सलामत रखे, आमीन। अब बस मुखलस रहिएगा, ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है जी जी, आमीन बिल्कुल। कोई कोट बता दें आपको अगर आता हो, कोई अच्छा साजिश अली का कोई कॉल बता दें वरना। नहीं कॉल वगैरह तो नहीं कोई आता। नहीं पता कोई गाना वगैरह आता? नहीं नहीं। कोई शेर वगैरह? माफ करें, शादीशुदा है, अनशादीशुदा? अनशादीशुदा। कहना अनशादीशुदा, मैं तो वैसे गलती ना, गुमशुदा? गुमशुदा नहीं, मौज़म भी, मौज़म भी गुमशुदा है? नहीं नहीं, वो भी अनमैरिड है। वो भी अनमैरिड है, दोनों अनमैरिड हैं, तो चलें अल्लाह पाक आप दोनों की शादी भी इसी साल में करवाए। नहीं यार आमीन नहीं हो जाएगी, आमीन नहीं का, आमीन मेरी हो जाएगी, मौज़म की हो जाएगी। असद आप रह जाएंगे कवारे, हां आप इनकी शादी में भंगड़े डालिएगा। हां बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह। चलें यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप एंजॉय करें, अपना टाइम लें, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से ये ड्रेसिंग बड़ी प्यारी है, आपके जो स्नीकर्स है ना और साथ में जो आपकी शर्ट है, ये कैसे मैचिंग की है आपने? ये बस मैं ऐसे पहनता हूं, अगर मैंने कुछ भी लिया है ना, मतलब पेंशन कोई भी लिया है, तो मैं शूज भी साथ ही लेता हूं। हां नूंह थे जरा ना, वो मतलब आप यकीन करें पहला बंदा मिला है और जो कह रहा है कि शूज भी मैं साथ लेता हूं, जब मैं पैंट शर्ट लेता हूं तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। देखिए ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं देखनी, आपने भजन की देखनी है। लेकिन मैं कभी कभी करता हूं, अगर घर में मैंने बस निकर शर्ट पहनी होती, अगर मैंने कभी कभी जाना होता कहीं, तो अगर मैं जाऊँ ना कभी कभी, तो फिर मैं ड्रेसिंग करके जाता हूँ, वैसे मैं घर में वैसे पजामा शर्ट ही पहनता।
अच्छा शॉर्ट्स पहन के फिरते जी जी। अच्छा मुझे आप बताइए आप करते क्या हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? अवैस। अच्छा अवैस भाई मुझे ये बताइएगा कि किस तरह का काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। मैं सिलाई किया है तो मैट्रिक के बाद सिलाई का काम करता। अच्छा अवैस भाई मुझे आपने ये बताना है कि एक सूट सिलाई करने में कितनी जो है ना वो रीलें इस्तेमाल होती हैं? वो बड़ी बड़ी रील होती है तो कहीं तो एक रील कम से कम 4, 5, 6, 7 भी सूट हो जाते हैं। असल में ना मैंने छोटी रीलों को सोच के जवाब दिया सोचा था सवाल सोचा था लेकिन जो है वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका जनरल नॉलेज सॉरी आईक्यू लेवल कैसा है? आईक्यू लेवल ठीक है। कॉमन सेंस कैसी है? काफी बेहतर है। काफी बेहतर है। क्या बदाम शाम खिलाते हैं उसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अभी इनसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करते हैं। आपने मुझे ये बताना है एक जहाज लाहौर से उड़ा और पहुंचा कराची 90 मिनट में। वही वाला जहाज कराची से उड़ा लाहौर पहुंचा 1.5 घंटे में, बताया देर कहाँ हुई? देर वही डबल सफर हो गया ना। डबल सफर हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। लाहौर से उड़ा जी, जी, कराची पहुंचा। हाँ तो कराची से उड़ा है और लाहौर लाहौर गया। तो लाहौर से जब उड़ा तो कराची पहुंचा 90 मिनट में पहुंचा है जी। लेकिन जब वहां से वापसी आया तो 1.5 घंटे में आया, बताया देर कहाँ हुई? देर कहीं भी नहीं। कैसे 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट ही हुई ना। बादाम खिलाए हैं इन्होंने। आप माने या ना माने आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। चले हम इनको और मजीद तंग नहीं करते। थैंक यू सो मच।